हे महामाया, सुबह के पहले पल से आखिरी पल तक और शाम से सुबह तक मैं जो कुछ भी करता हूँ वो सब आपकी ही आराधना है। जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट के एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सिर्फ दो शब्दों यानी कि मंत्रों की जीवन बदलने वाली शक्ति के बारे में सोचा है? कल्पना करें कि ये शब्द या ये मंत्र धन और समृद्धि के द्वार खोल रहे हैं। आज के वीडियो में हम क्वांटम फिजिक्स और मंत्र की शक्ति के दिलचस्प मिलन का पता लगाएंगे, जहां फिजिक्स और आध्यात्मिकता के बीच की रेखाएं और मजबूत हो जाती हैं। आज आप शब्दों यानी मंत्रों की अविश्वसनीय शक्ति के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि कैसे सही मानसिकता और सही मंत्र जादुई तरीके से धन आकर्षित करने की आपकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। लेकिन पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैंने बिहेवियर साइंस, साइकोलॉजी और डिमोनोलॉजी में अपनी शिक्षा पूरी की है और साथ ही पिछले 15 सालों से गुरु मार्गदर्शन में स्पिरिचुअलिटी सीख रहा हूँ। मैंने इच्छाओं को प्रकट करने के लिए स्पिरिचुअलिटी, डिमोनोलॉजी और साइकोलॉजी के तरीकों का अध्ययन करने में एक दशक से अधिक समय बिताया है। ये शब्द मंत्र सदियों से जीवन को आकार देने और मनचाहे परिणाम देने में सहायक रहे हैं। इनके गहरे अर्थों को समझकर और उनका उपयोग करना सीखकर आप उस धन और समृद्धि की राह पर चल सकते हैं जिसकी आपने हमेशा इच्छा की है। इसलिए यदि आप इन परिवर्तनकारी शब्दों और मंत्रों का अपने जीवन पर आने वाले प्रभाव को जानने के लिए तैयार हैं, तो अंत तक मेरे साथ बने रहें। आइए शब्दों की शक्ति को समझने के लिए एक साथ इस यात्रा पर चलें। और यदि आप पहली बार यहाँ आए हैं तो आप एक गहन अनुभव के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि यही आपके आत्म विकास का प्रवेश द्वार है। यहाँ हम मंत्रों, साधनाओं और व्यक्तिगत ज्ञान के मार्गों का पता लगाते हैं। तो मेरे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस शक्ति का पता करने के लिए हमें सबसे पहले क्वांटम फिजिक्स से एक आकर्षक नियम का पता लगाना होगा, जिसे ऑब्जर्वर इफेक्ट के रूप में जाना जाता है। क्वांटम फिजिक्स ब्रह्मांड में सबसे छोटे कणों की जांच करती है, जिससे एक ऐसा क्षेत्र सामने आता है जहां नियम हमारे दैनिक अनुभवों से काफी अलग होते हैं। इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खोज ये है कि कण संभावित परिणामों की एक लहर की स्थिति में मौजूद हो सकते हैं जब तक कि उन्हें देखा न जाए। इस घटना को ऑब्जर्वर इफेक्ट कहा जाता है, जो बताता है कि हमारी सोच और हमारी चेतना इन कणों के परिणाम को प्रभावित कर सकती है। संक्षेप में, हमारे विचार और विश्वास हमारी वास्तविकता को आकार दे सकते हैं। ये सिद्धांत बौद्ध धर्म सहित कई आध्यात्मिक शिक्षाओं के साथ जुड़ा हुआ है, जो मानसिक शक्ति और इरादे की शक्ति पर जोर देते हैं। जब हम अपने दिमाग को किसी चीज पर केंद्रित करते हैं तो हम उसमें ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे क्वांटम दुनिया में एक ऑब्जर्वर पदार्थ को प्रभावित कर सकता है। हमारी जो मान्यताएं हैं और हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो हमारे व्यक्तिगत जीवन को बदल सकती हैं। ऑब्जर्वर इफेक्ट दर्शाता है कि हमारे विचारों और चेतना का भौतिक दुनिया पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। ये विचार विजुअलाइजेशन और इरादे के माध्यम से इच्छाओं को सच कर सकते हैं। इस सिद्धांत को समझने से हमें पता लगता है कि हमारे शब्द, मंत्र और विश्वास हमारी धन, समृद्धि और मनोकामना पूर्ति की इच्छा को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए आइए जाने कि कैसे इन दो सरल शब्दों या मंत्रों का आप धन, समृद्धि और मनोकामना पूर्ति के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब जब हम समझ गए हैं कि हमारे विचार और विश्वास वास्तविकता को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, तो आइए दो सरल शब्दों की शक्ति पर गौर करें। सो हम ये शब्द या ये मंत्र अद्वितीय महत्व रखता है, क्योंकि ये आपकी पहचान की घोषणा है। सो हम एक शक्तिशाली मंत्र है जो आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों को आपकी आत्म भावना से जोड़ता है। ये केवल मंत्र को दोहराने के बारे में नहीं है, ये उनके पीछे की शक्ति, ऊर्जा और विश्वास को सच करने के बारे में है। सो हम को एक चाबी के रूप में सोचें, जो आपकी इच्छाओं को सच करने वाले दरवाजे को खोलती है। जब आप कहते हैं सो हम धनवान हूँ, तो आप केवल धन की आशा नहीं कर रहे होते हैं, आप इसे अपनी पहचान के हिस्से के रूप में घोषित कर रहे होते हैं। हालांकि अपने विचारों और भावनाओं को इस घोषणा के साथ जोड़ना महत्वपूर्ण है। यदि आप कहते हैं सो हम धनवान हूँ और साथ ही पैसे के विषय में संदेह या भय रखते हैं, तो ये एक गलती है जो आपके शब्दों की शक्ति को कमजोर कर देती है। यहीं पर माइंडफुलनेस की भूमिका आती है। माइंडफुलनेस का अर्थ है
हमारे विचारों, भावनाओं, शारीरिक संवेदनाओं और आसपास के वातावरण के बारे में पल पल जागरूकता बनाए रखना। सो हम की शक्ति को वास्तव में आप जो अपने जीवन में चाहते हैं और आप जो कल्पना करते हैं उसके साथ जोड़ने की आवश्यकता है। ये जुड़ाव एक प्रतिध्वनि पैदा करता है जिसका ब्रह्मांड जवाब देता है। ब्रह्मांड न केवल आपके शब्दों को सुनता है बल्कि आपके द्वारा भेजी गई ऊर्जा को भी सुनता है। यहाँ अध्यात्म हमें सिखाता है कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और हमारे विचार और कार्य ब्रह्मांड में फैलते हैं। सो हम का दृढ़ विश्वास के साथ उपयोग करके और अपने विश्वासों को अपने इरादों के साथ जोड़कर आप धन समृद्धि को आकर्षित करने के लिए एक मजबूत आधार बनाते हैं। यही कारण है कि जो लोग वास्तव में सो हम को अपनाते हैं वे अपनी धन समृद्धि की स्थिति में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव कर सकते हैं। तो आप इस शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं? इसकी शुरुआत माइंडफुलनेस और मंत्र के निरंतर अभ्यास से होती है। ये केवल शब्दों या मंत्रों को कहने के बारे में नहीं है, ये उन पर विश्वास करने, उन्हें महसूस करने और उन्हें अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने देने के बारे में है। अगले खंड में हम चर्चा करेंगे कि अपने शब्दों, मंत्रों और विश्वास को आपके द्वारा खोजी जाने वाली धन समृद्धि के साथ कैसे जोड़े या इसके लिए सही मानसिकता कैसे विकसित करें। मंत्र, विश्वास, भावनाएं और आपके कार्य उस वास्तविकता को आकार देते हैं जिसे आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। आइए सीमित विश्वासों को संबोधित करके शुरू करें। ये गहरी जड़ जमाए हुए विचार हैं जो आपकी इच्छाओं को आकर्षित करने के आपके प्रयासों में बाधा डाल सकते हैं। आपको बताया गया होगा कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है या आपको अमीर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए। ऐसी मान्यताएं सफलता के लिए अवचेतन बाधाएं बन सकती हैं जो आपको कमी और सीमा के चक्र में फंसाए रखती हैं। यहाँ अध्यात्म सिखाता है कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धन समृद्धि की मानसिकता विकसित करने के लिए आपको इन सीमित मान्यताओं को दूर करना होगा और नए शक्तिशाली विचारों को अपनाना होगा। इसके लिए सीमित मान्यताओं की पहचान करके और उन्हें शक्तिशाली विचारों से बदलकर अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करना होगा। इसके बाद आइए लगातार सकारात्मक विचारों की शक्ति पर विचार करें। आपके द्वारा चुने गए शब्द आपके अवचेतन मन को नया आकार दे सकते हैं। सो हम अमीर हूँ, सो हम समृद्ध हूँ और सो हम प्रचुर हूँ जैसे विचारों को दोहराकर आप अपना ध्यान अभाव से धन समृद्धि की ओर स्थानांतरित करना शुरू करते हैं। याद रखें, ये विचार केवल शब्दों से कहीं अधिक होने चाहिए। उन्हें आपके दिल से गूंजना चाहिए और आपके इरादों के साथ जुड़ना चाहिए। विचारों के अलावा माइंडफुलनेस भी जरूरी है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से आपको अपने विचारों और भावनाओं के बारे में और ज्यादा जागरूक होने में मदद मिलती है, जिससे आप उन सभी नकारात्मक पैटर्न को पहचान पाते हैं जो आपको पीछे खींच सकते हैं। ये जागरूकता आपको उन पैटर्न को बदलने और उन्हें सकारात्मक शक्तिशाली मानसिकता से बदलने की शक्ति देती है। आपने सरसों का बीज तो देखा है, हालांकि ये छोटा सरसों का बीज एक बड़े मजबूत पेड़ में विकसित होने की क्षमता रखता है। इसी तरह आपकी मान्यताएं भले ही पहले छोटी हों, लेकिन शक्तिशाली बन सकती हैं। लगातार ध्यान और पोषण के साथ आपकी मानसिकता पनप सकती है, जिससे आप जिस धन समृद्धि की तलाश कर रहे हैं वो प्राप्त हो सकती है। याद रखें, सही मानसिकता विकसित करना एक यात्रा है, न कि एक छोटा सा समाधान। इसके लिए धैर्य, दृढ़ता और दैनिक प्रयास की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको अपनी वास्तविकता में छोटे बदलाव दिखाई देने लगेंगे, अवसर दिखाई देने लगेंगे और आप अप्रत्याशित तरीकों से धन और समृद्धि को आकर्षित करेंगे। मैं एक दिल को छू लेने वाली कहानी साझा करना चाहता हूँ जो सकारात्मक पुष्टि और विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाती है। यह एक पिता और उसके छोटे बेटे की कहानी है जो खूबसूरती से दर्शाती है कि कैसे हमारे शब्द किसी की वास्तविकता को आकार दे सकते हैं। हर रात अपने बेटे के सोने से पहले पिता उसे बिस्तर पर लिटाता और शक्तिशाली विचार बोलता। अटूट विश्वास के साथ वो अपने बच्चे की आंखों में देखता और कहता, तुम मेरे सुपर हीरो हो, तुम मेरे चैंपियन हो, तुम जो भी मन में ठान लो उसे हासिल कर सकते हो। ये सिर्फ खोखले शब्द नहीं थे, ये एक बच्चे की कल्पना की उपजाऊ जमीन में बोए गए विश्वास के बीज थे। रात रात भर पिता ने ये शब्द दोहराए। समय के साथ उन्होंने लड़के की पहचान और आत्म मूल्य की भावना को आकार देना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि वह एक सुपरहीरो, एक चैंपियन हो सकता है
और महानता उसकी किस्मत में लिखी हुई है। एक रात पिता को देर तक काम करना था, इसलिए माँ ने बच्चे को बिस्तर पर लिटा दिया। उस रात बाद में जब माता पिता रात के खाने के लिए बैठे तो वे अपने बेटे को नींद से भरी आंखों से दरवाजे पर आते देखकर हैरान रह गए। जब पिता ने पूछा कि वो क्यों जाग रहा है तो बच्चे ने जवाब दिया, पिताजी आप मुझे ये बताना भूल गए कि मैं कौन हूँ। उस पल पिता को एहसास हुआ कि उनके शब्दों का उनके बेटे की पहचान की भावना पर गहरा असर पड़ा है। सकारात्मक विचारों को लगातार मजबूत करके उन्होंने अपने बेटे में एक गहरा आत्मविश्वास पैदा किया था। प्रोत्साहन के शब्दों को बोलने के सरल कार्य ने लड़के की वास्तविकता को आकार दिया था। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे शब्द शक्तिशाली हैं। जिस तरह पिता के शब्दों ने उनके बेटे की आत्म छवि को आकार दिया, उसी तरह सो हम शब्द या मंत्र हमारी धन समृद्धि की वास्तविकता को आकार देने में हमारी मदद करता है। जब हम लगातार धन समृद्धि के बारे में सकारात्मक विश्वासों को मजबूत करते हैं तो हम खुद को असीमित संभावनाओं की दुनिया के लिए खोलते हैं। आइए अब कुछ व्यवहारिक कदमों की ओर मुड़े जो आपको अपनी मानसिकता को धन समृद्धि के साथ जोड़ने और अपनी इच्छित धन समृद्धि को प्रकट करने में मदद करेंगे। दैनिक विचारों के साथ शुरू करें। प्रत्येक दिन सकारात्मक विचार के एक सेट के साथ शुरू करें। ये सरल लेकिन शक्तिशाली हो सकते हैं, जैसे सो हम अमीर हूँ, सो हम समृद्ध हूँ। सबसे महत्वपूर्ण इन्हें दृढ़ विश्वास के साथ कहना और उनकी शक्ति में विश्वास करना है। आप उन्हें लिख सकते हैं, उन्हें जोर से बोल सकते हैं या उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए उन पर ध्यान भी लगा सकते हैं। कृतज्ञता और सचेतनता का अभ्यास करें। कृतज्ञता आपके ध्यान को धन समृद्धि की ओर स्थानांतरित करने का एक शक्तिशाली मार्ग है। हर दिन इस बात पर चिंतन करने के लिए समय निकालें कि आप किस बात के लिए आभारी हैं, चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, रिश्ते हो या अवसर हो। सचेतनता का अभ्यास करने से आपको अपने विचारों के प्रति जागरूक रहने में मदद मिलती है, जिससे आप किसी भी नकारात्मक विश्वास को समझ पाते हैं। लगातार कार्रवाई करें और अपने इरादों के साथ अपने कार्यों को जोड़ें। यदि आप धन समृद्धि का लक्ष्य बना रहे हैं तो विचार करें कि आप उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। ये एक नई परियोजना शुरू करना, नए कौशल सीखना या विभिन्न आय स्रोतों की खोज करना हो सकता है। अपने लक्ष्यों के प्रति निरंतर प्रयास बनाए रखना है, ये जानते हुए कि प्रत्येक कदम आपको उस वास्तविकता के करीब लाता है जिसे आप चाहते हैं। अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करें। हमारा अवचेतन मन हमारे परिणामों को निर्धारित करता है। उन्हें फिर से प्रोग्राम करने के लिए विजुअलाइजेशन तकनीकों का उपयोग करने पर विचार करें। अपनी इच्छित धन समृद्धि की वास्तविकता को विस्तार से देखें। जीवन शैली, स्वतंत्रता और इसके साथ आने वाली सुरक्षा की भावना की कल्पना करें। यह विजुअलाइजेशन आपके अवचेतन मन को आपके चेतन इरादों के साथ जोड़ने में मदद करता है, जिससे आपके विश्वासों और कार्यों के बीच एक मजबूत संबंध बनता है। अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरें। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं और जो वातावरण आप बनाते हैं वह आपकी मानसिकता को प्रभावित कर सकता है। अपने आप को सकारात्मक लोगों से घेरें, जो आपको धन समृद्धि की यात्रा की और प्रोत्साहित करते हैं। याद रखें, ये केवल सही शब्द या मंत्र के कहने के बारे में नहीं है, यह उन पर विश्वास करने और अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को अपने वित्तीय लक्ष्यों के साथ जोड़ने के बारे में है। निरंतरता और समर्पण के साथ आप अपनी वास्तविकता में बदलाव देखना शुरू कर देंगे, नए अवसरों और समृद्धि के अप्रत्याशित स्रोतों के द्वार खोलेंगे। अपने धन समृद्धि के भाग्य को बदलने के लिए सो हम की शक्ति को अपनाने के तरीके पर हमारे विचार। जैसा कि हमने आज पता लगाया है, सो हम की शक्ति आपकी धन समृद्धि की वास्तविकता को बदल सकती है। धन समृद्धि के साथ तालमेल रखने वाली मानसिकता को अपनाकर आप समृद्धि के द्वार खोल सकते हैं और वो जीवन बना सकते हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। याद रखें, धन समृद्धि की यात्रा विश्वास से शुरू होती है और आपके शब्द उस विश्वास का प्रवेश द्वार है। सकारात्मक विचारों को लगातार मजबूत करना और अपने लक्ष्यों की ओर व्यवहारिक कदम उठाना महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप करते हैं, आप अपनी ऊर्जा, अपने अवसरों और अंततः अपनी वित्तीय स्थिति में बदलाव देखेंगे। ब्रह्मांड हमेशा सुन रहा है और हमेशा आपके द्वारा उत्सर्जित कंपन का जवाब दे रहा है। अब मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। धन समृद्धि को आकर्षित करने के लिए आपका पसंदीदा विचार क्या है? क्या आपने इन विचारों का उपयोग करने के बाद से अपने जीवन में कोई बदलाव देखा है?
कृपया नीचे कमेंट्स में अपने अनुभव शेयर करें। आपकी कहानियां धन समृद्धि की ओर अपनी यात्रा में दूसरों को भी प्रेरित कर सकती हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपके जीवन को बदलने की शक्ति आपके भीतर ही है। आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपकी इच्छा के अनुसार कुछ भी हासिल करने में आपकी मदद कर सकता है। याद रखें, हजारों मील की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। आज से ही मंत्र जप शुरू करें और अपने जीवन में बदलाव का अनुभव करें। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट से बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो और भी ला सकूंगा। अब तक मेरा साथ देने के लिए आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद। अगर आज की वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आई हो तो आप मेरे ब्लॉग पर जाकर भी पूरी जानकारी और साथ ही और भी अधिक जानकारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्राप्त कर सकते हैं। ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसलिए मैं आपको मंत्रों की शक्ति और इन पर विश्वास करने के विचार के लिए आमंत्रित करता हूँ। कहीं ना कहीं हमारी समझ से परे एक शक्ति है जो वास्तविक है। चाहे आप इस प्राचीन अनुष्ठान को शुरू करना चुने या बस इसे कहानी समझकर आनंद लें, याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा सबकी बातें सुनता रहता है। वो हमेशा सच्चे दिल की पुकार का जवाब देने के लिए तैयार रहता है। इस मनमोहक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आप भी मेरी तरह प्रकृति के रहस्यों को समझाना पसंद करते हैं तो मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक साधना करते रहें और याद रखें, जो लोग विश्वास करने का साहस करते हैं, ईश्वर हमेशा उनकी पहुंच में है। जय श्री राम।